सच बताऊँ सब लोग मेरे को देख रहे हैं, बोल रहे हैं कैमरा लेके क्या कर रहा करके, ऐसा लड़का पहली बार देखने को मिल रहा है। सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइज आज क्या होने वाला है, हम जाने वाले हैं हमारे गांव की, हमारे आधे गांव शहर की बाज़ार, जो कि ना सैटरडे को भरती है और हम सब लोग वहीं से बाज़ार करते हैं। अब भी अपने जो भी टाइम हो, अब हर गांव में हर, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना, जगह हम अलग अलग दिन रहता है ना, कोई जगह पर मंडे को होती, कोई जगह संडे को होती, तो हमारे यहाँ सैटरडे को बाज़ार लगती है, तो हम जा रहे हैं बाज़ार। ठीक है, हर बार मैं सोच रहा था कि आपको मैं दिखाऊं करके कि हमारे यहाँ की बाज़ार कैसी रहती करके, पर मैं नहीं बता पा रहा था क्योंकि थोड़ी शर्म लगती है ना। अब इधर सब लोग जान पहचान वाले और सबके सामने कैमरा ऐसा ओपन करना तो अच्छा नहीं लगता है, तो फिर भी अब कोशिश करूँगा आपको दिखाने की मैं। तो चलो चलते हैं, और ये थोड़ा शॉर्ट मैं रखना चाहता हूँ ब्लॉग, ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो जाए, आप भी ज़्यादा बोर नहीं होगी, इसलिए मैं जो मेन पॉइंट है सब बता दिए मैंने। ठीक है तो चलते हैं। सो गाइज अभी हम निकल चुके हैं बाज़ार के लिए, क्यों सुनील भैया? हाँ जी, हमारे साथ में सुनील भैया और बड़े भैया गाड़ी चला रहे हैं, जा रहे हैं बाज़ार। ठीक है सुनील भैया, हमने सोचे कि जो अपनी जनता है जो अपना वीडियोस देखती है, हमने सोचे अपन बाज़ार दिखा देते अपने आधे गांव में कैसी भर्ती करके। सही बात, और क्या, तो दिखा देते। ये देखो गाइज ऑटो वगैरह सब चलने लगी हैं, आगे और ऑटो मिलेंगे अपन को। सो गाइज हमारा खेत आ गया है, अभी ये देख लीजिए, देख तो लिए वैसे आपने, और देख लीजिए। सो गाइज देखिए एक ऑटो ये खड़ी है। ओके सो गाइज अभी आ चुके हैं हम आधे गांव, ये देखिए ऐसे कहा है, परंतु सबसे पहले हम थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे हमारी, जो कि श्री दुर्गा होटल में, आज स्पेशली सैटरडे के दिन बनता है। तो क्या बता रहा था, सैटरडे के दिन स्पेशली बनता हमारा पुलाव, और हमारे होड हैं हमारे होटल के, हमारे श्री बबली भैया जी, तो सबसे आधे गांव की फेमस होटल हमारे, जैसा कि मैंने दादी जी हम, तो हमारी आदरणीय दादी जी हैं जो कि अभी दुकान में बैठी हैं, और अभी है नाश्ते में मीठे समोसा और जलेबी, और देखते हैं पुलाव मिलता कि नहीं। चलो हाँ पुलाव ला दीजिए। आ भाई इधर बैठ जाते हैं हम जी, इधर पर लाओ पुलाव। तो अभी हमारा पुलाव रेडी हो रहा है और लाते हैं भैया। थैंक यू थैंक यू। एक भाई का है, सबसे पहले खा लेते हैं अब। यम्मी, इतना ही बस है और एंड हो चुका है, इसे इतना ही खाना का पड़ेगा। मेरा तो एंड हो गया, अब समोसा और ला दें, अब वो ला दो माही, ला देना माही, अरे दो ना उसको भी माही और ला दो। A few moments later. तो गाइज अभी पेट पूजा हो गई हो, चलो आपको बाजार का लुक दिखाते हैं हम। ये देखिए ये रही हमारी आधे गांव की छोटी मोटी बाजार, अभी थोड़ी भीड़ कम है ना बारिश की वजह से। ये देखिए गाइज आज बारिश की वजह से थोड़ी कम दुकानें लगी हैं। अरे ओजी भैया क्या कहना चाहते हो, बाजार आज इतनी कम क्यों लगी है? सो गाइज इधर से थोड़ा बढ़िया लग रहा है भीड़ भाड़। सो गाइज हम सब्जी लेते हैं इधर से, जे भैया के पास से, इधर से। चलो भाई लो सब्जी, क्या भीड़ मची है गाइज, ये देखिए चारों धाम वाली, इधर से टपरे टपरे में लेंगे। ये देखिए बाजार और भाई गणेश, फिर हो गई बाजार। ये भाई अपने गणेश भाई हैं, अपने साथ पढ़े हैं, क्लासमेट हैं ये। अच्छा सब्जी ले लिए? फिर अमन फिर पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पेपर है भैया 29 तारीख को ना पेपर। चलो ठीक, आज तो आज एग्जाम ही नहीं था, कल संडे है ना, और अपन मिलेंगे मंडे के दिन, मिलते हैं पेपर के दिन है ना। चलो ठीक है। टमाटर कैसे रुपए किलो है भाई? टमाटर कैसे रुपए किलो है? 20 रुपए किलो भाई। चलो आएगी यार गणेश भाई भी ब्लॉग में आएगा, अमन भाई भी आएगा। चलो ठीक है जोड़ दो यार पैसे जोड़ दो। सो गाइज ऐसी कुछ हमारी बाजार। भाई सच बताऊँ सब लोग मेरे को देख रहे हैं, बोल रहे हैं कैमरा लेके क्या कर रहा करके, ऐसा लड़का पहली बार देखने को मिल रहा है। सो गाइज इधर से हम अभी लहसुन ले रहे हैं, लहसुन ले लिया भैया? कितनी? आधा किलो। हाँ तो लहसुन ले लिए हैं, और लगभग ये अपना बाज़ार मंडी ना
500-600 मीटर के दायरे में लगती है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गए हम किराना दुकान में, पवन भैया की दुकान में। इधर लेंगे थोड़ा बहुत है नारियल वगैरह, तीज आने वाला ना, उसके लिए ज़रूरी सामग्री सामान तो वो ले लेते हैं। सो गाइस, आज के दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ मची है, तो अभी भाई इधर से थोड़ा किराना वगैरह निकलवा लेते हैं, क्योंकि अभी त्यौहार ढेर सारे आने वाले हैं ना, इसलिए जा भाई जल्दी से, भीड़ के भरोसा रहेंगे फिर हो गया काम। भाई झल्ली किराना निकलवाया, टुकना भर के झल्ली से, खड़ा खड़ा मत देख कितनी सारी भीड़ मची, और आते ही जा रहे हैं और लोग। जी गाइस, हो चुकी हमारी बाजार, ढेर सारे लोग मिल रहे थे यार, जान पहचान वाले, इस बार तो मज़ा आ गया। गाड़ी ये खड़ी है और अब चलते हैं घर, सब्जी ले लिए ये और किराना वाला वो सामान है, वो वाले थैले मतलब, ठीक है, और चलते हैं अब घर। सो गाइस, अभी हम जस्ट घर पहुंच चुके हैं, और आई होप कि ये वाला ब्लॉग आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।